परवा दिवशी देखील पेनल्टी झाली होती राजीव गांधी मैदानावर. करण पोरजी आपला संगणक कोण आहे स्वतःच का बात आहे. तर चला श्री गुरुदत्त क्रिकेट संघ शिवकर एखादं खेळाडू आपण स्टेज संपर्क साधा पंकलेश. त्याचं नाव काय सूरज आरश आली आणि बोनशेत हे दोन्ही संघ या ठिकाणी उपस्थित झाले त्याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. मॉनिटर हॅलो हॅलो बेस दे ना मॉनिटरला बेस. हॅलो 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 माइक चेक. तर या ठिकाणी या ओके दोन्ही संघनायकांना विनंती असेल मोरबे संघाचा संघनायक उपस्थित झालाय. तर या ठिकाणी विनंती असेल श्री गुरुदत्त इलेव्हन शिवकर क्रिकेट संघाचा संघनायक आपण लगेचच नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. सुपर एटची पहिली लढत पहिला सामना असेल या ठिकाणी श्री गणेश क्रिकेट संघ मोरबे विपक्ष श्री गुरुदत्त इलेव्हन शिवकर. त्याच्यानंतर दुसरा सामना आपण पाहू शकाल यंगस्टार बोनशेत विपक्षचे बापदेव इलेव्हन पाली. आणि तिसरा सामना या स्पर्धेमध्ये पाहू शकाल विजय नवीन तुमचा विजयी हनुमान मोह आणि गावदेवी क्रिकेट संघ उसरली जय हनुमान क्रिकेट संघ उसरली. आणि अंतिम लढत या सुपर हिटची असेल आजिवली आणि कुडावे. दोनशेत क्रिकेट संघ आपले खेळाडू आलेत का
थँक्यू थँक्यू डीजे यडीकरी श्री गुरुदत्त 11 शिवकर क्रिकेट संघाचे संघनायक आलेले आहेत. तर मोरबे क्रिकेट संघाचा संघनायक देखील उपस्थित झालाय. तर नाणे बेकरीसाठी लगेच यायचे शिवकर क्रिकेट संघ. आपण सूरज Hey man, Suraj, what are you doing, Zay? Come on, come on. थँक्यू थँक्यू डीजे सूरज. आपण नाणेफेकी फक्त करून घ्यायचे. आम्ही थांबू तुमच्यासाठी 5 मिनिट. उपस्थित झालाय.
शुकर क्रिकेट संघ आपला हेलिकॉप्टर इथंच ठेवायचा, लगेच लँड करायचा टॉस झाली. चला त्या ठिकाणी या. हॅलो हॅलो. तर या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी दोन्ही संघाला एक उपस्थित झालेत. तर नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी मी व्यासपीठावर सन्माननीय मान्यवर भास्कर फुलोरे साहेबांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे. साईप्रीत लाईव चंदू कॅमेरा आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय. कोणचा तर भास्कर फुलोरे साहेबांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल दिला जाईल. पहिली सुपर एट ची लढत, बिग फाइट, श्री गणेश मोरबे विपक्ष श्री गुरुदत्त इलेव्हन शुकर. चार षटकांचा सामना असेल. तर नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय या ठिकाणी. आयोजकांचा निर्णय आला, सामना चार षटकांचा असेल. तर नाणेफेकी जिंकली या ठिकाणी रोहित. तर नाणेफेकी जिंकल्यानंतर प्रथम काय डिसिजन घ्याल? आमचं क्षेत्ररक्षण असणार आहे प्रथम. आणि एकंदरीत प्रत्येक स्पर्धा आली कंपल्सरी चेस असे नियम भरवले जातात, तर त्याबद्दल काय सांगाल? कंपल्सरी चेस म्हणजे टॉचविनच्या आधारावर, म्हणजे नशिबाच्या आधारावर जिंकणे, स्वतःला हिंमत करून जिंकायला लागेल. म्हणजे रन चेस कंपल्सरी करण्याच आहे तुम्हाला, जेवढे धावा दिले तेवढे. तेच एकंदरीत आपण नाणेफेकी हरल्यानंतर जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण घेतलंय, बोनस पॉईंट रन मला वाटतंय मोरबे संघालाच जाईल प्लस पॉईंट, कारण कंपल्सरी चेस तुम्हालाच करायला लागेल. कंपल्सरी चेस कारण की आम्ही इथे चेस केलेले आहेत, कारण की दुसऱ्या सेकंड मॅच मध्ये आम्ही दोन ओव्हर मध्ये ते 40 धावा चेस केलेल्या, त्याच्यामुळे आम्हाला नक्की डाऊट नसणार आहे. कारण मागच्या दोन सामन्यामध्ये सुपर एट च्या लढतीपूर्वी जे 11 खेळाडू आपल्या संघामध्ये त्यात काही चेंजेस असेल आज? आज ओपनिंगचा म्हणजे फॉर्म मधला बॅट्समन रोशन पाटील आलाय, कारण की त्याची एक्झाम होती त्या दिवशी, सुपर एटच्या दिवशी सुपर एटला गेलो त्या दिवशी, आता तो आलाय परत. आणि नितीश पाटील आलाय. थँक्यू थँक्यू, बेस्ट ऑफ लक या ठिकाणी. श्री गुरुदत्तची शुकर संघ नाणेफेकी जिंकलाय. तर मोरबे क्रिकेट संघ या ठिकाणी नाणेफेकी हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी वाटायला आले, कारण आज प्रथम काय संघात चेंजेस असेल का? नाही चेंज काय नाही. आणि प्रथम फलंदाजी करत असताना आपण किती धावा कुठू शकाल या ठिकाणी गुरुदत्त शुकर संघासमोर? 50 ते 55 धावा काढण्याचा प्रयत्न करू आम्ही, कारण आमची बॉलिंग चांगली आहे आणि दोन्ही मॅच आम्ही डिफेंड केलेले आहेत. आणि लगातार बॅटिंग ऑर्डर थोडा खराब झालाय आपल्या संघाचा, तर काय या ठिकाणी रणनीती असेल बॅटिंग लाईन अपशी? बॅटिंग लाईनची रणनीती काही नाही, थोडेसे चेंजेस करायला लागतील, कारण खूपच खराब परफॉर्मन्स दिला बॅटमॅनने, पण बॉलिंगवर आम्हाला पूर्ण डिपेंड आहे. ओके थँक्यू, बेस्ट ऑफ लक दोन्ही संघांना, खूप खूप शुभेच्छा. सन्माननीय मोतीराम शेळके पालीगावचे आदरणीय मोतीराम शेळके साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. एक ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत, त्यांनाही असेल आपण यायचं व्यासपीठावर. आपला संघ सुपर हिट मध्ये प्रवेश केलाय, तर आपल्याला या स्पर्धेच्या वतीने खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा. चले टॉस जीता निश्चित तौर पर श्री गुरुदत्त इलेवन शुकर टीम के कप्तान ने, और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया. और जहां से बल्लेबाजी की बात करेंगे तो बल्लेबाजी के मार्ग पर कप्तान करण ने कहा था कि 50 रन बनाना टीम के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 4 ओवर का मुकाबला है, गेंदबाजी के आधार पर हम मुकाबला जीत सकते हैं. तो पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया टॉस जीतने के बाद, यानी कि प्लस पॉइंट. अब यहां से कहा था कि फील्डिंग करते वक्त जब सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो चेसिंग के लिए बहुत ही मजा आता है, तो उस हिसाब से इस वक्त ये मुकाबला खेलेगी. तो दोनों भी टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं. दोनों अंपायर टेनिस क्रिकेट के सबसे अनुभवी अंपायर विनोद पाटे और जोमा पाटिल मैन फ्रॉम अकुरली, ये दोनों अंपायर मैदान की ओर प्रस्थान होते हुए. और ये आज का पहला मुकाबला सुपर एट का. तर सन्माननीय प्रकाश भगत साहेब मोरबे यांना देखील विनंती असेल आपण यायचं व्यासपीठावर. आपल्या या स्पर्धेच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. खूप साऱ्या मान्यवरांची मांदी आली आपण या व्यासपीठावर आज पाहू शकाल. आणि ज्या पद्धतीने या सामन्याचं सा उद्घाटन, हॅलो तर हॅलो तर सन्माननीय भास्कर फुलोरे साहेब, हॅलो मॉनिटर यो बंदच आहे म, हॅलो लागत
तो चलते क्रिकेट की खूबसूरत दुनिया में, जहां से टॉस जीता इस वक्त श्री गुरुदत्त इलेवन शुगर टीम के कप्तान ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। चार ओवर का मुकाबला है और जहां से बात करेंगे तो आज के पूरे दिन में माझी ग्राम पंचायत सदस्य सन्मान्य भास्कर फुलोरे साहब इनके ओर से लगातार 6 छक्के कोई भी खिलाड़ी इस मैदान के ऊपर मारेगा तो उस खिलाड़ी के लिए 2000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पूरे दिन में ये मौका है। देखिए कल का आखिरी दिन होगा इस साल का, 31 काफी जश्न से मनाई जाएगी और नए साल की अगवानी होगी। और जिस तरीके से इस टूर्नामेंट की बात करेंगे, स्वर्गीय बाबू आशा स्मृति चेषक यानी कि जय हनुमान भोकरपाड़ा क्रिकेट क्लब इनके ओर से ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस टूर्नामेंट में, विजय शेठ ठाकुर के बाद अगर कितना बड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया होगा इस विभाग में बात करेंगे तो निश्चित तौर पर जय हनुमान भोकरपाड़ा टीम के और ग्रामस्थ मंडल दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि 1 लाख की ट्रॉफी, 1 लाख की प्रतियोगिता है। 4 से मैन ऑफ द सीरीज के लिए आप चमचमाती हुई बाइक देख सकते हैं और पहली मरतबा इस बाइक का निश्चित तौर पर आयोजन करते हुए 4 सालों की बात करेंगे, ये 5वां साल काफी ऊंची उड़ान भरती हुई जय हनुमान भोकरपाड़ा 11 टीम की ओर से। तो कौन होगा मैन ऑफ द सीरीज का दावेदार, कौन लगाएगा लगातार 6 छक्के, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन इससे पहले बिग फाइट दोनों टीमों के बीच में चलती हुई, दोनों भी टीमें काफी फॉर्म में चल रही है और यकीनन किसी को एक ट्रॉफी लेकर घर जाना है और किसी को एक अलविदा कहकर यानी कि कॉम्प्रो लेकर मैदान से बाहर लेना है। साई प्रीत के माध्यम से आप लाइव यूट्यूब ये घर बैठे मुकाबला देख सकते हैं, जिस तरीके से इसके प्रोप्राइटर सन्मान्य चंदू वाघमारे और प्रेम वाघमारे ये दोनों भाइयों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्रिकेट की खूबसूरत दुनिया में, मेगा फाइनल का आज का दिन है, सुपर संडे है, कई दर्शक दारू पीकर नाचेंगे घूमेंगे मजा करेंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है। लेकिन आज इस मैदान के ऊपर जो दर्शक आएंगे वो दर्शकों की तादाद जबरदस्त मात्रा में नजर आएगी। जय हनुमान क्रिकेट क्लब भोकरपाड़ा और आरके स्पोर्ट्स भोकरपाड़ा इनके ओर से यह सबसे बड़ी श्रृंखला जानी जाएगी। तो चलिए दोनों बीच टीमों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सुपर 8 का पहला ग्रीन सिग्नल अंपायर का आता हुआ, बोला गणपति बाप्पा। तो चलिए बिग फाइव स्ट्राइक बल्लेबाज है आदेश पांडव टीम के भूतपूर्व कप्तान और उनका साथ देंगे नामी बल्लेबाज है संकेत भगत, बी टीम से उभरे हुए खिलाड़ी है और जैसे एक ही रात में ये टीम ने काफी तगड़ा परफॉर्मेंस दिया था और जहां से इस टीम में पहले बल्लेबाजी करने का यानी कि ओपनिंग करने का मौका, पहली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, फुल टॉस गेंद थी, फ्लिक किया शॉर्ट स्क्वायर लेग की रीजन में, थोड़ी सी खराब फील्डिंग, अजय भगत लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद के ऊपर पहुंचेंगे लेकिन आखिर के क्षणों में क्या शानदार फील्डिंग करते हुए अपने टीम के लिए तकरीबन यहां से 3 रन लेने का पर्याप्त समय था और अपने शुरुआत की। इस वक्त बल्लेबाज आदेश पांडव ने टीम का खाता खोला, अपना खाता खोला, स्कोर पहुंचा दिया इस समय बगैर विकेट के नुकसान के ऊपर 4 रन, 3 रन। पिछले 2 दिनों की बात करेंगे तो रन नहीं बन पा रहे मैदान में कि 40 और 35 रन निकालने के लिए भी काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है टीमों को और ऐसे हालात में बात करेंगे ये जो टीम है ना मोरबा टीम, इन्होंने वाकी टीम को परास्त किया था, 50 रन नहीं निकालने दिए थे और उसके बाद सबसे ज्यादा फॉर्म में चलने वाली यानी कि कोपर 11 टीम को भी 35 रन नहीं निकालने दिए थे 4 ओवर में। तो आज 4 ओवर में 50 का आंकड़ा कहा है कप्तान करण ने, लेकिन कितने तक रोकेगी ये भी बड़ा सवाल बन सकता है। इस बार उठाने की कोशिश, गेंद हवा में, शॉट मिड ऑफ, गेंद के नीचे, सूरज भगत के द्वारा लिया गया कैच, पहला सदमा, पहली सक्सेस, बगर खाता खेलो मैदान से बाहर लौटते हुए संकेत भगत के पारी कान। या ठिकाणी सन्माननीय रमेश फडके साहेब मोरबेचे शिवसेनेचे संघट आहे ते त्यांचे देखील या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांनाही विनंती असेल आपण यायचं व्यासपीठावर, खूप सारे मान्यवर आपण या स्पर्धेमध्ये पाहू शकाल। खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य, भाई जगताप या ठिकाणी आमदार आले होते या स्पर्धेसाठी, दर सालाबाद प्रमाणे त्यांची एक पाहुण्यांची व्हिजिट या स्पर्धेला दिली जाते आणि खऱ्या अर्थाने या संघाला प्रेम ज्यांचं मिळालंय ते सन्माननीय माधवराव पाटील ज्येष्ठ पत्रकार, खूप चांगला मोलाचा सहकारी आधारस्तंभ म्हणून जय हनुमान क्रिकेट संघ भोकरपाडा आणि आरके क्रिकेट संघासाठी खूप चांगलं योगदान देते, त्यांचंही स्वागत असेल थोड्याच वेळात, ते देखील या व्यासपीठ उपस्थित राहतील। दुसरी गेंद फेकने के लिए तयार होते हुए आज तीसरी गेंद आदेश पांडव के लिए, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, देखिए लगातार खराब गेंदे फेंक रही इस वक्त गेंदबाज पंकलेश और ऐसे हालात पे बात करेंगे तो निश्चित तौर पर पहली गेंद फुल लेन की डिलीवरी थी आदेश पांडव के लिए
और दूसरी गेंद के ऊपर संकेत आउट होकर मैदान से बाहर लौटे और तीसरी गेंद के ऊपर हाफ लाइन का मारा किया था, फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश में यहां से एक रन मुकम्मल होता हुआ। चार रन टोटल स्कोर कार्ड पर, एक विकेट के नुकसान के ऊपर विशाल पाटिल आए बल्लेबाजी के लिए, लगातार विशाल मात्रे आए बल्लेबाजी के लिए, लगातार छह छक्के दागेंगे तो निश्चित तौर पर सम्माननीय माजी ग्राम पंचायत सदस्य सम्माननीय भास्कर फुलोरी साहब इनके ओर से 2000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो यहां से अपील हुई थी लेग बिफोर के अंपायर ने पहले ही जांचा लेग स्टंप छोड़ती हुई ये गेंद है और नतीजे यहां से डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई। श्री गुरुदेव दत्त 11 टीम ने भैरवनाथ विश्वम्भर के मैदान के ऊपर भी तगड़ा परफॉर्मेंस दिया था और उसी तगड़े परफॉर्मेंस के बदौलत इस मैच में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करते हुए क्या कमाल के क्रिकेट दोनों टीमों के बीच में पहला पावर प्ले मैदान में जारी रहता हुआ। स्लो ओवर किया इस गेंद को, अप स्टंप से थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद और एक डॉट गेंदों की समाप्ति। ये देखिए पावर प्ले के सत्र में आपको रन बनाने होंगे वरना इसी तरह की डॉट गेंदे खेलते जाएंगे जहां से आपके पास मात्र 3 ओवर बचे रहेंगे तब आप जाकर बड़े बड़े स्ट्रोक की कोशिश में, इनकी पावर प्ले समाप्तन के बाद विकेट गंवाने के चांसेस ज्यादा बन सकते हैं। देखिए बड़ा स्ट्रोक, इस स्ट्रोक की तलाश थी, खोद कर निकाला इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से पहला दंदनाता हुआ छक्का मोरवे टीम की ओर से और यहां से पावर प्ले समाप्त हो चुका है। पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 10 रन श्री गणेश मोरबे। DJ, DJ, AY, in the mix. निश्चित तौर पर यहां से बिग विकेट मैदान से बाहर लौटने के बाद इस पारी को संभालने का काम करते हुए ये दोनों भी आक्रामक खिलाड़ी या ठिकाणी सन्माननीय मनोज पोद्दार साहेब मराठी उद्योजक यांचं या व्यासपीठावर आगमन झालंय, त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत। स्वर्गीय बाबू अशा प्रतिशिक्षक 2018 वर्ष 5वे या स्पर्धेमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत। राईट आर्म ओव्हर द विकेट, शुकर टीम की ओर से दूसरी गेंदबाज, फुल टॉस गेंद फेंकी थी, तेज आए थे इस गेंद के ऊपर लेकिन जिसने तेज से गेंद फेंकी उतने तेज से बल्ला घुमाया और थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई, तब तक बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय है यहां से 2 रन लेने का और इन्हीं 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल इस वक्त 12 रनों के ऊपर। और जिस तरीके से मनोहर बात करेंगे कि शुक्र टीम भी ताकतवर टीम जानी जाती है, 50 का आंकड़ा तो छूना ही होगा क्योंकि मैच हाई वोल्टेज है दोनों टीमों के बीच में। इसमें कतेसंदने किनारा लगाता ताड़ लगाने की कोशिश, डायरेक्ट हिट होता तो विकेट मैदान से बाहर लौट सकता था लेकिन विकेट कीपर के पीछे विकेट कीपर के द्वारा थोड़ी सी गलती होती हुई और यहां से डॉट गेंदों की समाप्ति। स्कोर रुका हुआ, दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, पहली गेंद के ऊपर डबल आया, दूसरी गेंद के ऊपर मात्र डॉट नंबर आता हुआ, यानी कि दबाव भरी अब तक बल्लेबाजी चल रही है और ऐसे हालत में 40 या 25 35 बना पाएगी तो मैच मुकाबले को अपने गेंदबाजों को कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। क्या संघर्षमय गेंदबाजी होगी या संघर्षमय बल्लेबाजी होगी? हवा में गेंद, मिड ऑफ है गेंद के नीचे और इसी के साथ पंकज के द्वारा एक जबरदस्त कैच, दूसरा विकेट मैदान से बाहर मोरबे टीम का। निश्चित तौर पर विकेटों का एक तरफ सिलसिला जारी है, ऐसे हालात में बल्लेबाज विशाल मात्रे एक छक्कों की मदद से अपने टीम के लिए जबरदस्त योगदान देते हुए क्यों ना देंगे क्योंकि यह मुकाबला दोनों भी टीमें भली बात ही जानती है, यहां से जीतेंगे सुपर फोर में क्वालिफाई होगी और जो स्वर्गीय बाबू अशर स्मृति जशक यानी कि ट्रॉफी को चूमना चाहेगी वो एक निश्चित तौर पर अगले दौर में क्वालिफाई होगी। यदि कि थोड़े से स्टेप आउट से झुके थे खिलाड़ी, अपने मार्क से चूके थे, फिर से एक बार बैकअप लेते हुए अपने गेंदबाजी पर, क्योंकि होता है हमेशा जब आपका जो लाइन गेंदबाजी का जिस तरीके से आप स्टेप छूकेगा तो निश्चित तौर पर आपके लिए दिक्कतें पैदा होती है और ये दिक्कतें थोड़ी सी पैदा होती भी ताकि खराब गेंदें गिरने के चांसेस रहते हैं। काफी छाला गेंदबाज है, फिर से एक बार बैकअप लिया अपने गेंदबाजी के मार फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करने की कोशिश करते हुए इस वक्त इस बल्लेबाज के लिए।
फोर व्हीलर ची क्लास आहे बघा सनग्लास. कुठली गाडी रे? क्रेटा ब्रेझा. त्याच्या ठिकाणी आमचे मान्यवर या ठिकाणी या. तो बिल्कुल यहां से दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है. अभी भी इस ओवर की बात करेंगे. अजय ने जबरदस्त सा कमबैक किया अपने टीम के लिए और यकीनन ये कमबैक करते हुए कमबैक करना भी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से पहले ओवर में 10 रन बने एक विकेट जरूर मैदान से बाहर लौटाओ. विशाल का ये बड़ा स्ट्रोक फिर से एक बार हवा में गेंद लेकिन खिलाड़ी मात्र बने दर्शक. सर के ऊपर से गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. शुक्रिया डीजे. देखिए जिस तरीके से मनोज इंटरवल में विकेट भी गिरते रहे और इंटरवल में छक्के भी मिलते रहे और ऐसे हालात में दो छक्कों की मदद से अपने टीम के लिए वन डाउन की भूमिका क्या होती है ये आखिरकार विशाल मात्रे ने दिखाया. काफी फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी और क्या ताकत और बल्लेबाजी होती हुई. फिर से एक बार अजीत की ये गेंद पटकी हुई गेंद थी. पॉइंट के रीजन में खेला इस गेंद को. तब तक एक रन लेने का पर्याप्त समय था बल्लेबाजों के पास और इसे एक रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 19 रन. शुक्र टीम की बात करेंगे तो जिस तरीके से हमेशा टीम के लिए सपोर्ट करते हैं सम्मान्य नीलकंठ शेठ भगत यदि इस मैच पर आए हो उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे. यूट्यूब पे लाइव ये मुकाबला देख रहे होंगे तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आभार करेंगे क्योंकि जिस तरीके से नीलकंठ शेठ भगत ने हमेशा इस टीम के लिए सवारा है और इस टीम के लिए हमेशा योगदान देते हैं उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे. ओवर द विकेट अजय तैयार. देखिए बड़ा स्ट्रोक जरूर लगाने की कोशिश. किनारा लगा विकेट कीपर गेंद के नीचे. तीसरा सदमा श्री गणेश मोरबे टीम के लिए. थैंक यू वेरी मच डीजे. दो ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और दो ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल रन संख्या पहुंची है इस समय 19 रन. इस ओवर से रन आए 9 रन. पहले ओवर में रन आए थे 10 और इस बीच हमारे कमेंट्री के महागुरु सन्माननीय एमडी गड़गे सर इनका भी आगमन हो चुका है उनके समवेत मनोहर पाटिल मैन फ्रॉम वाजे और हमारे साथी स्कोरर जिस तरीके से बात करेंगे अनिल पाटिल इनका भी आगमन हो चुका है और इसी गांव की पहचान खास करके हमारे मराठी के जबरदस्त कमेंटेटर है हनुमान फुलोरे हम आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे. जिस तरीके से पांचवा साल है इस टूर्नामेंट का और पांचवें साल में ऊंची उड़ान भरते हुए जहां से मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक रखी गई है और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी आप देख सकते हैं और इसके सर्वे सर्वा आधार स्तंभ ज्येष्ठ पत्रकार माधवराव पाटिल इनके मार्गदर्शन के अनुसार जय हनुमान क्रिकेट क्लब भोकरपाड़ा और आरके स्पोर्ट क्रिकेट क्लब भोकरपाड़ा इनकी व्यवस्थापक इनका ग्रामस्थ और खास करके इनके आधार स्तंभ रुपेश फुलोरे और साजन फुलोरे और उनकी पूरी टीम तैयारी के साथ इस मैदान के ऊपर काफी मेहनत लेती हुई. तो जीत के लिए बड़ा टारगेट रखना होगा क्योंकि दो ओवर में रन बने 19. अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज है विशाल मात्रे और नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज है हनुमान. पहली गेंद इस वक्त विशाल को ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर रखा इस गेंद को और यकीनन यहां से डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई. देखिए विशाल के बल्ले से अब तक दो छक्के निकले हैं. गेंदबाजी की बात करेंगे तो गेंदबाजी इस वक्त सौरभ ढवले गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं और पहली गेंद के ऊपर बीट किया और पहली गेंद डॉट होने के बाद देखिए आज बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग है. रोशन पाटिल टीम में नजर आ रहे हैं और ऐसे हालातों में रन तो बनाने होंगे इस वक्त मोरबा 11 टीम को. ऑफ स्टंप से बाहर जाते हुए गेंद अंपायर विनोद पाटे का व्हाइट का इशारा आता हुआ और व्हाइट के साथ अतिरिक्त खातों में बढ़ोतरी होती हुई टोटल रन संख्या पहुंची है इस वक्त 20 रनों के ऊपर. 11 गेंदों का खेल अभी मैच बचा हुआ है. 11 गेंदों में कितने रन बना पाएगी ऐसे हालात में कैलाश पाटिल इनके गेंदबाज है आज कितने संघर्ष करेंगे ये भी बड़ा सवाल बनेगा. थोड़ी सी शॉर्ट लाइन पर फेंका था इस गेंद को उछाल भी मिला फील्डर थे गेंद के नीचे कप्तान रोहित
लेकिन कॅच को नहीं लपक पाए। और देखिए विशाल जैसे बल्लेबाज को जीवन दान देना यानी कि अपने गेंदबाजों के ऊपर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। और ये देखिए जीवन दान मिला फिर से एक बार इस खिलाड़ी को और नतीजा जीवन दान के साथ साथ दो रन भी चुराने का मौका मिला। कल बहुत सारी गलतियां हमने राजीव गांधी मैदान के ऊपर देखी थी, जिस तरीके से गौरी स्पोर्ट्स नेपाली का एक जबरदस्त आयोजन था राजेश कातरा इनके माध्यम से, तो बहुत सारे कैचेस छूटे थे और निश्चित तौर पर मुकाबले से बाहर होना पड़ा था। तो इसी बीच सम्मान्य अनिल फड़के ग्राम पंचायत सदस्य इनका भी आगमन हो चुका है, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। इस बार अच्छी गेंद, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, एक रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है, टोटल स्कोर कार्ड पर लगता हुआ 23 रन इस समय। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। पहले दो ओवर काफी निर्णायक गिरे क्योंकि पहले ओवर में पंकज ने रन दिए 10, एक सफलता मिली थी। सेकंड ओवर में रन आए थे मात्र 9, एक सफलता मिली थी अजय को। और तीसरे गेंदबाज है सौरभ ढवले, अब तक सटीक लाइन माना करते हुए इस वक्त बल्लेबाज को पूरी तरह से बांध कर रखते हुए ओवर द विकेट। फुलर गेंद की डिलीवरी, क्रॉस बैटर खेलने का प्रयास, फील्डर है गेंद के नीचे, आखिर के मूवमेंट में छलांग लगाए, रनआउट का चांस बन सकता था। देखिए इतनी दूर तक आप गेंद मारते हैं तो रन लेने का आपके पास समय होना चाहिए, लेकिन यहां से हिम्मत नहीं जुटा पाए दोनों भी बल्लेबाज, तब तक यहां से एक रनों के साथ छोर बदले, टीम का टोटल स्कोर पहुंचा दिया इस वक्त 24 रनों के ऊपर। धीमी शुरुआत, इस ओवर की बात करेंगे तो अभी तक 5 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने, क्या कमाल की वापसी करते हो अपनी टीम के लिए, और यह वापसी भी होनी चाहिए। देखिए बल्ले के बीचों बीच गेंद आई थी, टैपिंग क्रिकेट खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑन के रीजन में जल्दबाजी कर बैठे, किस्मत का चौका मोड़ में टीम को आता हुआ। सन्माननीय अतिथि अनिल मारुति फडके साहेब ग्राम पंचायत सदस्य बोनशेत, त्याच्यानंतर काना फडके साहेब माजी ग्राम पंचायत सदस्य बोनशेत आणि सन्माननीय मुकेश फडके साहेब बोनशेत यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत। तसेच या ठिकाणी साजन फुलोरे आपण देखील व्यासपीठावर पाहू शकाल। तर फिर एक बार गेंदबाज के मार्ग पर गेंदबाज चलते हुए ओवर द विकेट, सामने विशाल जैसे महानतम खिलाड़ी है, एक कैच छूटा इनका, जीवनदान मिला, जीवनदान के साथ साथ खराब फील्डिंग हो रही है, चौके भी मिले। देखिए 40 के भीतर रोकेंगे तो बेहतर होगा, वरना ये विकेट ऐसी है आज 3 दिनों में गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही है। विशाल के लिए फिर से एक बार किनारा शायद लगा होगा, अंपायर की उंगली खड़ी हुई और एक विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ विशाल के पारी का अंत। महाराष्ट्राची शान मोठ्याची खान सुंदर ही नगरी, महाराष्ट्राची शान मोठ्याची खान सुंदर ही नगरी, रायगड जिल्हा महान खेळाडूंची क्रिकेटची पंढरी, रायगड जिल्हा महान खेळाडूंची क्रिकेटची पंढरी। हॅलो हॅलो चेक, हॅलो हॅलो चेक, हॅलो 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 हॅलो। निश्चित तौर पर यहां से 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल रन संख्या पहुंची है इस समय, विकेट गवाई है 4 और टोटल रन संख्या पहुंची है इस वक्त 28 रन, यानी कि शुरुआत अच्छी देने के बावजूद आने वाले 2 ओवर की बात करेंगे तो दूसरे ओवर में रन बने 9 और इस ओवर में रन आए 9, यानी कि कितना कमबैक करते हुए अपने गेंदबाजी के मार्ग पर। देखिए पावर प्ले के सत्र में रन जाएंगे 10 तो फर्क नहीं गिरता, फिर भी इस खिलाड़ी ने 10 रन दिए और अपने टीम के लिए पहले पावर प्ले में 10 रन देने के बाद इन दोनों गेंदबाजों ने क्या कमाल का प्रदर्शन देते हुए। अभी भी बात करेंगे आखिर की 6 गेंदें फेंकनी है पहले पूर्वार्ध की और ऐसे हालतों में इनफॉर्म बल्लेबाज यानी कि विशाल मात्रे मैदान से बाहर लौटे हैं और उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज मंगेश मैदान के अंदर। स्ट्राइक पर हनुमान है, अब जहां से बल्लेबाजी की बात करेंगे तो आखिरी ओवर में पारी को संभालना होगा, सूरज राइट आर्म ओवर द विकेट फेंकने के लिए तैयार। पहली गेंद लॉफ्ट किया इस गेंद को, लॉन्ग ऑफ के ऊपर ताकत का भरपूर इस्तेमाल, सीमा रेखा के बाहर, इट्स आउट ऑफ द पार्क। चरण नीचे 6 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है इस वक्त 34 रन, यानी कि प्रारंभिक बल्लेबाज बगैर खाता खोले मैदान से बाहर लौटे थे संकेत भगत, यानी कि मिडिल ऑर्डर में आकर किस तरीके से बल्लेबाजी की जाती है
ये आखिरकार इस वक्त हनुमान ने सिद्ध किया और टीम को जरूरत है। आखिर की बची हुई 6 गेंदे हैं, उन 6 गेंदों के ऊपर 1-2 छक्के बनेंगे तो मैच 50 का आंकड़ा छू पाएगी या तो 40 का आंकड़ा छू पाएगी, लेकिन ये आंकड़ा छूना इनके टीम के लिए भी बहुत ही जरूरत है। और पहले गेंद के ऊपर छक्का आने के बाद मानसिक दड़पण यानी कि मनोवैज्ञानिक दबाव इस वक्त गेंदबाज के ऊपर रखने की कोशिश करते हुए बल्लेबाज। फिर से एक बार आप पिच लाइन की गेंद पुल करने की कोशिश, फील्डर इनके नीचे और इसी के साथ 5वां विकेट हनुमान के पारिकांत होता हुआ आधी सेना मैदान से बाहर मोरबे टीम की। जिस तरीके से विकेट मैदान से बाहर लौटे हैं, अब यहां से बल्लेबाज मंगेश और उनका साथ देंगे करण पुरजी। 4G के स्पीड, 4G के स्पीड से ये गेंदबाजी करते हैं, लेकिन करण पुरजी आए बल्लेबाजी के लिए। लेकिन सूरज की तारीफ करनी होगी, पहली गेंद के ऊपर छक्का मिला, दूसरी गेंद के ऊपर क्या कमाल की वापसी करते हुए। इस एक बार आप पिच लाइन की गेंद, फील्डर शॉट स्क्वायर लेग के रीजन में, जी हां दूसरी गेंद के ऊपर लगातार विकेट मैदान से बाहर, क्या कमाल का कमबैक करते हुए अपनी टीम के लिए। इस वक्त 6ठा विकेट मैदान से बाहर और तब श्री गणेश मोरबे टीम का। यहां से पहली गेंद के ऊपर छक्का आने के बाद निश्चित तौर पर विकेट हैट्रिक के तगार पर है, लगातार 2 विकेट यानी कि इनफॉर्म बल्लेबाज विशाल को अनुमान को चलता बना दिया। उसके बाद अगर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर मंगेश नावड़ेकर को चलता बना दिया। अब करण पुरजी स्ट्राइक पर है और कैलाश पाटिल नॉन स्ट्राइक एंड बल्लेबाज है। देखिए पहली गेंद के ऊपर छक्का आया जरूर, लेकिन उसके बाद आपको डबल सिंगल भी लेने चाहिए क्योंकि आपके सामने भी मारने वाले बल्लेबाज थे और ऐसे हालातों में इन्होंने लगातार बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश की। देखिए डबल सिंगल आपको मुकाबले में कमबैक कर सकते हैं क्योंकि डॉट गेंदे आपको इस मुकाबले से बाहर कर सकते हैं। और यह कारनामा करते वक्त इस वक्त सूरज भगत की दमदार वापसी होती हुई इस वक्त श्री गुरुदत्त 11 शुकर टीम के लिए ओवर द विकेट। ऑन हैट्रिक पर जरूर थे लेकिन विकेट कीपर गलती कर बैठे, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की थी मात्र यहां से अंपायर का इशारा भी जरूर आएगा। 1 रन जरूर मिला है 22 के तौर पर, निश्चित तौर पर यहां से 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल इस समय 6 विकेट के नुकसान के ऊपर 35 रन, आने वाली 2 गेंदे भालचंद्र ढवली की बात करेंगे तो हमेशा टीमों को संवारने का काम करते हैं और बड़े मार्गदर्शक जाने जाते हैं, तीनों भी टीमों के मार्गदर्शक जाने जाते हैं। भालचंद्र ढवले हम आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। ओवर द विकेट हैप्पी स्टाइन की गेंद जरूर थी, मिड विकेट के क्षेत्र में जाती हुई, 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा इसे 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल। देखिए दूसरे के लिए पलटवार, बहुत ही खराब क्रिकेट, ओवर थ्रो, क्या गलती कर बैठे, आखिर के क्षणों में ये गलतियां आपको इस मुकाबले में टाटा बाय बाय कर सकती है। 4थे के लिए गुंजाइश हो रही है, खिलाड़ी जरूर पहुंचे हैं लेकिन इस वक्त करण पुरजी पहुंच पाएंगे, लेकिन रन मिले इस गेंद के ऊपर 3 और यहां से 1 गेंद अभी भी बची है और इन 3 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचा दिया इस वक्त 38 रनों के ऊपर। सोचो आने वाले इस आखिरी गेंद के ऊपर मैच छक्का मिलेगा तो मुकाबले में पूरी तरह से जबरदस्त संघर्ष करेगी क्योंकि लो स्कोरिंग का मुकाबला खेल रही है, क्योंकि लो स्कोरिंग में हमेशा गेंदबाजों को काफी ताकतवर गेंदबाजी करनी पड़ती है, फील्डरों को काफी कसा हुआ संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन क्या इस आखिरी गेंद के ऊपर नंबर आएगा छक्का, नंबर आएगा चौका, या तो डबल सिंगल ट्रिपल, या तो होगा विकेट, यह भी बड़ा दिलचस्प कारनामा होगा क्योंकि 1 गेंद फेंकनी है लेकिन 1 गेंद कितनी मायने रखती है ये शुक्र टीम जानती है, ये मोरबा टीम भी जानती है। पहले पूर्वाधिक की सुपर हिट की आखिरी गेंद, देखिए बैकफुट पर गए थे, लॉफ केस गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीमा रेखा के नजदीक जाती हुई बढ़िया फील्डिंग होती हुई 2 रन तो यहां से आसानी से चुरा लिए। 3रे के लिए पलटवार हो रहे हैं और यहां से खिलाड़ी मैदान से बाहर, 7-8 विकेट के नुकसान के ऊपर रन संख्या पहुंची है। पहले पूर्वाधिक का खेल समाप्त होने के बाद 40 रन 10.00 के औसत से प्रति ओवर ये रन बना है और ऐसे हालात पे बात करेंगे आप इस गेंदों में 41 रनों की जरूरत, क्या यह संघर्ष करेगी मोरबा टीम अपने गेंदबाजी के आधार पर, क्या संघर्ष करेगी रोशन पाटिल के बलबूते पर, अजय भगत के बलबूते पर, कप्तान रोहित पाटिल की बल्लेबाजी, इसका आंखों देखा विवरण करेंगे हमारे कमेंट्री के महागुरु सम्मान्य महादेव गड़गे सर। हेलो, थैंक्स प्रवीण इथे मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे, सन्मान्य मनोहर पोद्दार साहेब
सुप्रसिद्ध जे उद्योजक आहेत, त्याच्यानंतर विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य आहे बोकरपाडा चिपले ग्रामपंचायत अनिल मारुती फडके साहेब, त्याच्यानंतर कान्हा मारुती फडके माजी ग्रामपंचायत सदस्य आहे, मुकेश कान्हा फडके वंश आहेत यांचा आम्ही जानुमान क्रिकेट संघ बोकरपाडा यांच्या वतीने मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करत आहोत. हॅलो 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 चेक. मित्रांनो, इथे मान्यवरांना सन्मानित केले जात आहे, कारण माणसाची श्रीमंती ही त्या माणसाने आपल्या आयुष्यामध्ये किती पैसा कमवला याच्यावर अवलंबून नसते, तर त्या माणसाने आपल्या आयुष्यामध्ये किती माणसं जोडली याच्यावर अवलंबून असतात. सातत्याने ज्याने सामाजिक क्षेत्रामध्ये कार्यरत असताना माणसं जोपासण्याचं काम केलेलं आहे आणि औद्योगिक क्षेत्रामध्ये खऱ्या अर्थाने एक मराठी माणूस सातत्याने अग्रेसर होण्याचं काम ज्यांच्या माध्यमातून करण्यात आलेलं आहे ते सुप्रसिद्ध उद्योजक आदरणीय श्री मनोहर फौजदार साहेब यांचा सन्मान जानुमान क्रिकेट संघाच्या आमच्या भोकरपाडा क्रिकेट कमिटीच्या वतीने भास्कर फुलेर साहेबांना मी आमंत्रित करतो की सुप्रसिद्ध उद्योजक आदरणीय मनोहर शेठ फौजदार साहेब, कारण मराठी माणूस खऱ्या अर्थाने आज उद्योगाकडे खऱ्या अर्थाने अग्रेसर झालेला आहे आणि अशा दमदार व्यक्तिमत्वाचा आज भास्कर फुलोरे साहेबांच्या शुभहस्ते शाल पुष्पगुच्छ आणि स्वर्गीय बाबू आशा पाटील स्मृती चषकाचं सन्मान चिन्ह देऊन गौरव केला जात आहे. त्याच्यानंतर मानिल मारुती फडके विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य ग्रुप ग्रामपंचायत चिपले यांचा सन्मान करण्यासाठी मी आमंत्रित करतो आमचे सहकारी मित्र दुलाजी हरिभक्त परांजली दुलाजी फुलड साहेबांना मी आमंत्रित करत आहे की आपल्या शुभहस्ते सन्माननीय अनिल मारुती फडके विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य ग्रुप ग्रामपंचायत चिपले यांचा आपण शाल पुष्पगुच्छ आणि स्वर्गीय बाबू आशा पाटील स्मृती चषकाचं सन्मान चिन्ह देऊन आपण त्यांचा येतोची तिथे गौरव करावं. अनिल फडके साहेबांना या क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित केलं जात आहे. त्याच्यानंतर मी आमच्या कमिटी मेंबर्सना इथे आमंत्रित करत आहे की आपल्या शुभहस्ते कान्हा फडके माजी ग्रामपंचायत सदस्य ग्रुप ग्रामपंचायत चिपले यांचं आपण इथे स्वागत करावं. मारुती पाटील माजी सरपंच शिवकर यांना आम्ही आमंत्रित करतो की आपल्या शुभहस्ते कान्हा फडके माजी ग्रामपंचायत सदस्य यांना इथे आपण सन्मानित करावं. त्याच्यानंतर मोरबेगावचे इथे शिवसेनेचे उपविभाग या विभागातले सन्मान्य आमचे फडके साहेब इथे उपस्थित आहे, आपलं आम्ही स्वागत करू. त्याच्यानंतर मुकेश कान्हा फडके यांना, त्याच्यानंतर आपण पाहतो मोरबेगावचे सन्मान्य फडके जे राजकीय क्षेत्रामध्ये अग्रेसर आहेत, शिवसेनेचे उपविभाग प्रमुख आहेत, त्यांना या क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित केले जात आहे. त्याच्यानंतर आपण पाहतो इथे एक शिक्षित व्यक्तिमत्व आदरणीय श्री जनार्दन भोपी सरांचं इथे आगमन झालेलं आहे, आपलं मनपूर्वक स्वागत. त्याच्यानंतर मुकेश कान्हा फडके भोंशेत यांना इथे सन्मानित केले जात आहे. सन्माननीय मुकेश कान्हा फडके यांना या क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून इथे मान्यवरांच्या शुभहस्ते सन्मानित केले जात आहे. हॅलो हॅलो, थँक्यू सो मच यापरा एमडी गडगे सर, यहाँ पर आए हुए तमाम दर्शकों का एक बार फिर से हम यहाँ पर स्वागत करेंगे और क्रिकेट की इस बेहद खूबसूरत दुनिया में हम लौट चलेंगे. दोस्तों, पहले सत्र यहाँ पर समाप्त होता हुआ, पहले सत्र के समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर है 40 रन और जीतने के लिए 4 ओवर और 41 की दूरी पार करनी है. यहाँ पर आप गलती नहीं कर सकते क्योंकि ये बेहद अहम मुकाबला मैदान के अंदर हम चलता हुआ. यहाँ पर आए हुए तमाम दर्शकों का हम फिर से स्वागत करेंगे और यहाँ पर क्रिकेट के अंदर हम लौट चलेंगे. गेंदबाज तैयार, पहली गेंद, पहली गेंद अच्छी तरीके से फेंकी थी करण फोरजी ने. ये ओवर यकीनन तय होगा क्योंकि ये पावर प्ले का ओवर है, यहाँ पर रन बनाने होंगे बीच मैदान के अंदर. पहली गेंद के ऊपर सिंगल चुराया, तो वंशद क्रिकेट टीम का कप्तान और पाली क्रिकेट टीम का कप्तान टॉस के लिए आपको संपर्क करना है. मैदान के अंदर लौटते पहली गेंद के ऊपर सिंगल आया था,
ये गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, और यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। 41 रनों का टारगेट है बीच मैदान के अंदर, और यहाँ पर हम देख सकते हैं जस्ट वन रन देयर। आज इथे आलेले बनत आहे ज्यांनी खऱ्या अर्थाने उद्योग क्षेत्रामध्ये एक मराठी माणूस सातत्याने आपण पाहतो, मराठी माणूस औद्योगिक क्षेत्राच्या माध्यमातून सातत्याने थोडासा मागे राहतो, परंतु मराठी माणसांनी पुढे जावं या उद्देशाने खऱ्या अर्थाने त्या स्वतः एक मोठे उद्योजक झालेले आहेत। तर मी या क्रिकेट स्पर्धेसाठी आपण पोद्दार साहेब आपण आवर्जून उपस्थित राहिला, मी आपणास इथे आमंत्रित करतो की आपण या क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं मनोगत व्यक्त करावं आणि उपस्थित खेळाडूंना या क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करावं। पंचा सामना आपण 2 मिनिटं थांबवायचं आहे। धन्यवाद। बोकरपाडा हा गाव माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, ज्या लोकांनी माझे खांदे मजबूत केले त्यातील सर्व तरुण मंडळींनी मला मदत केलेली आहे, त्यामुळे मी या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित राहिलो। दुसरी गोष्ट, माणसाच्या जिंदगीमध्ये खेळ चालत असतो, पण जो खिलाडी असतो त्याच्या जिंदगीमध्ये खेळ घडतो, आणि तो खिलाडी जो जिंकतो तो खिलाडी उच्च पदावरती जातो। त्यामुळे जीवन हे जे खेळ आहे त्या खेळाला कशा प्रकारे खेळायचं आहे तुम्ही हे तुम्ही खेळता, आणि खेळाडूच आपल्याला पाहिजे ज्या लोकांना जिंदगी जीवनामधले चढउतार कसे झेलता येतील यासाठी जीवनामध्ये खेळ हा अविभाज्य भाग आहे, असंच खेळत राहा आणि यशस्वी व्हा। थँक्यू व्हेरी मच, मी निघतो। थँक्यू, थँक्यू सो मच। यहाँ पर यकीनन सर ने जैसे कहा कि जिंदगी एक रंगमंच है, और यहाँ पर हर एक आदमी हर एक खिलाड़ी यहाँ पर अपना किरदार निभा रहे, अपनी भूमिका निभा रहे। थैंक यू सो मच सर। मैदान के अंदर एक बार फिर से हम लौट चलेंगे, पहली 3 गेंदें गुजर चुकी है, टीम का टोटल स्कोर है 3 रन, गेंदबाज तैयार। अजय भगत के लिए ये गेंद, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, बिग फिश, जश्न का माहौल बड़ी मछली जाल में। सो मच, एक मौका मिला था पिछली गेंद के ऊपर, क्या छूटा था अजय भगत का, लेकिन यहाँ पर कोई गलती नहीं की और यहाँ पर अजय भगत को वापस भेजा। डीजे आपको माइक का आवाज थोड़ा सा बढ़ा ने, मैदान के अंदर यकीनन हम लौट चलेंगे, पहली 4 गेंदें गुजर चुकी है और टीम के टोटल स्कोर की बात करेंगे तो सिर्फ 3 रन, 41 रनों का पीछा करना है। पिछले इस टूर्नामेंट के तीसरे दिन जहां पर शिवकर क्रिकेट टीम ने 2 मुकाबले जीते थे, वो मुकाबले उतने अहम नहीं थे, लेकिन ये अहम पड़ाव है इस टूर्नामेंट का। यहां पर मुकाबला गंवाएंगे तो मुकाबले में से लौटना पड़ेगा, उस 2 मुकाबले का महत्व नहीं बचेगा, और यहां पर एक कदम आप जीत की ओर बढ़ाएंगे तो यकीन ट्रॉफी चूम सकते हैं। जहां पर मोरबे क्रिकेट टीम की बात करेंगे, उन्होंने भी कमाल की लड़ाइयां लड़ी थी, संघर्ष कर मेहनत कर मुकाबले जीते और एक दूसरे के सामने खड़े, पहले 4 गेंदें गुजर चुकी है और टीम का टोटल स्कोर सिर्फ 3 रन, गेंदबाज तैयार करण फोरजी। फ्लिक किया था इस गेंद को, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, गेंद का इंतजार करना, कमाल की फील्डिंग यहाँ पर देख सकते हो, जबरदस्त फील्डिंग का नजारा, 2 रन अपने टीम के लिए यकीनन बचा है इस खिलाड़ी ने, यहाँ पर हर एक रन के लिए कोशिश करने वहां पर खिलाड़ी तैनात है, मंगेश नावड़ेकर जिनके माध्यम से 2 रन बचाए गए। ऐसे हालातों में, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे परिस्थितियों में रन बचाना बेहद जरूरी है। मैदान के अंदर हम लौट चलेंगे, पहले ओवर की 5 गेंदें गुजर चुकी है और संघर्ष करती हुई श्री दत्त शिवकर क्रिकेट टीम यहाँ पर हम देख सकते, टीम का टोटल स्कोर सिर्फ 5 रन, आखिर और अंतिम गेंद आएगी, पहला पावर प्ले, और पावर प्ले में पावर दिखाई है गेंदबाज ने, करण फोरजी ईस्ट मोरबे क्रिकेट टीम का सबसे ताकतवर और डेंजरस गेंदबाज जिसे कहा जाता है। आखिरी गेंद, बड़ा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच आई थी, गेंद जाएगी सूरज भगत के बल्ले से, यह करारा जवाब अंजाम अच्छी तरीके से दिया, पहले ओवर की समाप्ति, टीम का टोटल स्कोर देखेंगे यहां से, टीम का टोटल स्कोर है 11 रन, 18 गेंदे और जीतने के लिए 30 की आवश्यकता, जाएंगे टॉस बॉक्स में। हाँ, इथे या क्रिकेट स्पर्धेचा सुपर 8 चा खऱ्या अर्थाने क्वार्टर फायनल चा दुसरा सामना खेळवला जाणार आहे, आणि या सामन्यामध्ये जिंकणारा क्रिकेट संघ सुपर 4 अर्थात सेमी फायनल मध्ये प्रवेश करणार आहे। पाली विपक्ष, जय बाबदेव पाली विपक्ष
यंग स्टार भोनशेत क्रिकेट संघाच्या दरम्यान एक शिक्षित व्यक्तिमत्व याच गावचे सुपुत्र आदरणीय जनार्दन भोपी सरांना मी आमंत्रित करत आहे की आपल्या शुभासे आपण नाणेफेक करायची आहे. बघूया नाणेफेकीचा कौल कोणत्या संघाच्या बाजूने लागतो. तर नाणेफेकीचा कौल इथे बाबदेव इलेव्हन पाली क्रिकेट संघाच्या बाजूने लागलेला आहे. संघ नाणेफेकीचा कौल आपण जिंकलेला आहे. सामना चार षटकांचा असणार आहे. प्रथमतः आपला निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षण. क्षेत्ररक्षण करण्याचा आपण निर्णय घेतलेला आहे. प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ म्हटला तर अतिशय आक्रमक फलंदाजीचा भरणा असणारा संघ म्हणून ओळखला जातो. सामना चार षटकांचा असेल तर प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ भोनशेत क्रिकेट संघाला चार षटकामध्ये तुम्ही किती धावांवर रोखण्याचा तुमचा खऱ्या अर्थाने प्रयास असणार आहे? 40 ते 45 धावांवर रोखण्याचा प्रयत्न तुमचा असेल धोनी क्रिकेट संघाला. वेळ आमच्याकडे कमी आहे. पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो धोनी क्रिकेट संघाला. गो टू मनोहर पाटील. थँक्यू सो मच गेंदबाज. यहां पर तैयार 18 गेंद है. 30 रनों की जरूरत. हवा में गेंद, विशाल गेंद के नीचे आए थे जरूर लेकिन लपक नहीं सके. गलतियों के ऊपर गलतियां, जो गलतियां की थी शिवकर क्रिकेट टीम ने, यहां पर गलतियों को दोहराए जा रहे हैं मोरबे क्रिकेट टीम के माध्यम से. और यहां पर देख सकते हैं एक और जीवन दान मिलेगा. 2 रनों का इजाफा जरूर होगा. टीम का टोटल स्कोर 2 रनों के साथ पहुंचा है 13 रनों के ऊपर. गेंदबाज इस मरतबा तैयार होगा. एक बार फिर से हम यहाँ पर देख सकते मंगेश नावडेकर एक बार फिर से तैयार. राइट आर्म ओवर द विकेट से ये गेंद धीमी रफ्तार से फेंकी हुई गेंद की थी. समझ नहीं आई बल्लेबाज को गेंद. आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे. बल्ले का फेस, बल्ले का चेहरा, बल्ले का मुंह बंद हो चुका था जल्द से जल्द. और नतीजा हमारे सामने आया. उनके शरीर से गेंद जरूर टकराई. 1 रन मिलेगा. टीम का टोटल स्कोर आगे बढ़ेगा. 14 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है. आने वाली 16 गेंद है. 27 रनों का यहाँ पर समीकरण है. क्या मुकाबले में मजा आएगा? कौन जाएगा यहाँ से सुपर फोर ने? जो तीसरे दिन मेहनत की थी दोनों टीम ने, किसकी मेहनत रंग लाएगी? क्योंकि ये अहम मुकाबला है. यहाँ पर एक जीत आपको कम से कम एक ट्रॉफी दिलाएगी. बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे. कमाल की गेंदबाजी. गलती करी, कोई जरूरत नहीं थी वहां पर. रोशन के पारी का अंत होता हुआ. जिस खिलाड़ी ने 2 गेंदों में 3 रनों का योगदान जरूर दिया था लेकिन रनआउट के रूप में वापस जाना पड़ेगा. एक और सफलता मिली मोरबे क्रिकेट टीम को और झटका लगा शिवकर क्रिकेट टीम को. टीम का टोटल स्कोर है 14 रन. जीतने के लिए 15 गेंदे और 27 रनों की आवश्यकता. थँक्स डीजे मास्टर. इथे आम्ही पाहतो मोरबे क्रिकेट संघाचे वीक सपोर्टर राजेश फडके मोरबे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. आपलं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो. मनोहर, यहां पर निश्चित रूप से मोरबे क्रिकेट टीम के गेंदबाजों का भी जिक्र करना होगा. हालांकि जिस गेंदबाज ने पहले ओवर में एक दमदार गेंदबाजी की थी, 5 गेंदे काफी काबिले तारीफ फेंकी थी. अंतिम गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने छक्का दागा लेकिन मात्र 2 बल्लेबाज का घर का रास्ता आरंभिक गेंदबाज करण ने दिखाया था. तो ओटू हमारे साथी कमेंटेटर मनोहर पाटिल. तो बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से गेंदबाजी हुई थी पहले ओवर में करण पोर्जी के माध्यम से, उससे भी बेहतरीन गेंदबाजी मंगेश नावडेकर के माध्यम से. क्योंकि 15 गेंदे बची है, 27 रनों की आवश्यकता. मुकाबला उफान पर है. गेंदबाज तैयार ओवर द विकेट. शॉर्ट पिच गेंदबाजी. मिस टाइम किया गेंद को. गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी. एक और सफलता. सूरज भगत दिस टाइम बैक टू द पवेलियन. मास्टर यहाँ पर निश्चित रूप से मनोहर पटेल की बात करें, सूरज भगत एक आक्रामक बल्लेबाज है और ये मोरबे 11 क्रिकेट टीम के लिए सबसे बड़ी विकेट होगी. ये गेंद थोड़ी धीमी रखी थी, बल्लेबाज को आगे रखा था यहाँ पर गेंद को. ये बल्लेबाज बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, दिशा देना चाहते थे. गेंद बिल्कुल टॉपेज लगी हवा में और फील्डर यहाँ पर गेंदबाज ने कोई गलतियां नहीं की. मनोहर पटेल, तो बिल्कुल यहाँ पर सर आत्मविश्वास रखना होगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव रवैया, सकारात्मक सोच आपके काम आएगी. जो समीकरण था 18 गेंदों में 30 रन, अब समीकरण बचा है 14 गेंदे और 27 रनों की आवश्यकता. यानी कि पिछली 4 गेंदों के ऊपर सिर्फ 3 रन आए और 2 महत्वपूर्ण सफलता जिसमें रोशन पाटिल और सूरज भगत को वापस जाना पड़ा था. एक और सफलता. खुद कप्तान रोहित पाटिल दिस टाइम बैक टू द पवेलियन. बड़ी मछली जाल में. 13 गेंदे 27 रन. सूरज कैसे याद रखे, सूरज कैसे याद.
इथे आम्ही पाहतो स्वर्गीय बाबू आशा पाटील स्मृती चषकाचे आमचे सहआयोजक विद्यमान उपसरपंच ग्रामपंचायत चिपले आदरणीय धनंजय दादा पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, जे हनुमान क्रिकेट संघ भोकरपाडा यांच्या वतीने आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. तो बिल्कुल यहाँ पर मैदान के अंदर हम यकीनन लौट चलते हैं. जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर मोरबे क्रिकेट टीम के मैदान के बाहर का जश्न वहां पर हम देख सकते हैं. और हमारे महागुरु एमडी गडगेसर चंद्रन इनके भांजे वहां पर ऋतिक भगत मोरबे इस टूर्नामेंट को करीब से एंजॉय करते हुए उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. और मैदान के बाहर का जश्न यहाँ पर मनाते हुए मोरबे क्रिकेट टीम के सभी समर्थक उनका भी हम स्वागत करते हैं. लेकिन मुकाबले में मजा भरकर आ रहे क्योंकि आने वाली 12 गेंदे और 27 रनों की आवश्यकता. 12 गेंदे 27 रन. मनोहर पटेल यदि बात करें मोरबे 11 क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से एक दमदार गेंदबाजी की. लेंथ लाइन और दिशा के ऊपर नियंत्रण रखा गेंदबाज मंगेश ने. मंगेश नावडेकर का जिक्र करना होगा. हालांकि मंगेश नावडेकर ने इस ओवर में 3 रन खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण विकेट भी प्राप्त किए. ओवर टू डीजे मास्टर. थैंक यू सो मच. 12 गेंदे बचिए जीत निकले 27 रनों की आवश्यकता. क्या मुकाबला पलटा है, क्या मुकाबले ने नाटकीय ढंग से परिवर्तन हमने अब तक देखा है. यहाँ पर मुकाबला आसान सा था बल्लेबाजी करने वाली शिवकर क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन गेंदबाजों की दादागिरी देखी. मंगेश नावडेकर ने रन खर्च किए 3. अब समीकरण बचे 12 गेंदे 27 रन. इथे सन्माननीय पुरोग्राम युवक संघटनेच्या विभागातले आगातले अध्यक्ष अजय फडके यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. लाल ब्रिगेडचे अध्यक्ष आहेत युवक युवा संघटनेचे. त्याच्यानंतर अलंकार धरणेकर आकुर्ली, लक्ष्मण फुलोरे भोकरपाडा, लव फुलोरे भोकरपाडा यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. या अवस्थेवर आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. तो बिलकुल या मिट्टी और गोबर से बने विकेट और नखरे दिखा रही है. राकेश के लिए गेंद करी थी, पैरों पर गेंद, नतीजा भुगता, गेंद जाएगी सीमा पार, ये चौका तवा. 11 गेंदे 23 रन. यहाँ पर जबरदस्त बल्लेबाजी, मुकाबला पलट चुका है. और ये क्रिकेट का उसूल है दोस्तों, जहां पर बासियां पलटने में देर नहीं लगती. जैसे हम हमेशा कहते हैं कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत जान की नहीं सांस की होती है. यूं तो बहुत रिश्ते बनते हैं दुनिया में, लेकिन कीमत रिश्तों की नहीं विश्वास की होती है. विश्वास के काबिल यहाँ पर गेंदबाजी करनी होगी, भरोसा रखना होगा अपने आप पर. क्रिकेट में कहा जाता है दोस्तों नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो. दोनों टीमें हार मानने के लिए तैयार नहीं है. शिवकर क्रिकेट टीम का लक्ष्य केवल जीत, तो मोरबे क्रिकेट टीम को हार मंजूर नहीं. उपान पर मुकाबला 10 गेंदे 23 रनों की आवश्यकता. राकेश पाटिल ऑन स्ट्राइक. कैलाश पाटिल की ये गेंद अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए अनुभवी गेंदबाज. और यहाँ पर करण पोर्ची के बाद कैलाश पाटिल की कमाल की गेंदबाजी. साथ निभाए था मंगेश नावडेकर ने. पहले ओवर में दिए थे 11 करण ने, दूसरे ओवर में खर्च हुए 3. और कैलाश पाटिल की पहली 3 गेंदों के ऊपर सिर्फ 4 रन. 9 गेंदे बची है 23 रनों की आवश्यकता. व्हाट अ मैच, व्हाट अ मोमेंट. खोद कर निकाला था इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, 1 रन तो चुराया. विशाल आएंगे गेंद के नीचे, गलत एंड के ऊपर थ्रो आया. प्रेशर क्रिकेट, दबाव भरा माहौल यहाँ पर देखा जा सकता है. 2 रनों का इजाफा, 8 गेंदे बची है और जीतने के लिए जरूरत है 21 रनों की. कल के दिन हमने मुकाबला देखा था जय हनुमान पाली और अजीवली क्रिकेट टीम के बीच में 2 ओवर में 36 रनों की आवश्यकता थी और वो 36 बनाए थे अजीवली क्रिकेट टीम ने और मुकाबला जीता था. गेंदबाज तैयार कैलाश पाटिल.
घुटना टेका था लेकिन अंपायर का यहाँ पर इशारा आया, ये गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई 7 गेंदे 8 गेंदे बची है और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। आधा सफर तो शुकर क्रिकेट टीम ने यहां से तय करा है। जोश और जज्बे के साथ यहां पर गेंदबाजी और जुनून और हौसले के साथ बल्लेबाजी की जा रही है। 8 गेंदे 20 रनों की आवश्यकता। शुकर जाएगी सुपर फोर में या फिर मोरबे क्रिकेट टीम बाजी मारेगी। 8 गेंदे 20 रन। शॉर्ट पिच गेंदबाजी, एक रन चुराया, दूसरे की कोशिश की जा रही है, वहां पर 2 रन आसानी के साथ पूरे करे, अच्छा बैकअप मिला। तब तक 2 रन चुराए बल्लेबाजों ने, रन चुराने की क्षमता बिल्कुल देखी जा सकती है। गेंदे बची है 7 और 18 रनों की आवश्यकता। इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक चाहिए शुकर क्रिकेट टीम को, तो इस गेंद के ऊपर डॉट गेंद या फिर राकेश का विकेट चाहिए मोरबे क्रिकेट टीम को। कौन सी टीम जीतेगी, कौन जाएगी सुपर फोर में, कौन होगी नाराज, कौन होगा खुश, किनके सपने होंगे साकार ट्रॉफी के चूमने के और किनके सपने बिखर जाएंगे। 7 गेंदे बची है 18 की आवश्यकता, महत्वपूर्ण गेंद। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला था, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा वहां पर कुछ नहीं है। आखिर के ओवर के लिए 6 गेंदे बची है और जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता। 6 गेंदे 17 रन। हा इथे आपण पाहतो मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे, नामा पाटील शिवकर त्याचबरोबर नामदेव पाटील मोहो यांचा मी जन्मांक क्रिकेट संघ भोकरपाडा यांच्या भोकरपाडा यांच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत करत आहोत। रनावर गेंदों के बीच में मनोरज फासला भी बन चुका है, यानी कि 6 गेंदे बची और जीत के लिए विपक्ष क्रिकेट टीम यानी कि शिवकर 11 क्रिकेट टीम को 17 रन चाहिए। तो बिल्कुल मुकाबला अभी बना हुआ मुकाबला है, ये मुकाबला बिल्कुल बैलेंस है, यानी कि मैच में काफी इंटरेस्ट आएगा क्योंकि गेंद और रनों के बीच में जो अभी फासला है, एक एक रन लेने से काम नहीं बनने वाला है। निश्चित रूप से बल्लेबाजी करने वाले क्रिकेट टीम शिवकर 11 क्रिकेट टीम का, और यहाँ पर पूरी तरह से गेंदबाज को क्या करना है, बल्लेबाज के बिल्कुल कमी को परख कर बल्लेबाजी यहाँ पर गेंदबाजी करनी होगी और बल्लेबाज को भी गेंदबाज के कमजोरी को परख कर यहाँ पर मात्र बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि गेंदे बची है 6 और जीत के लिए मैच 17 रन चाहिए। MH 06 6830 कार है I-10, ती अपन बाजूला घ्यायचे स्क्रीन च्या मागे जी कार है MH 06 6830, तर विनंती है त्याचे ग्लास रिफ्लेक्शन इथे होते, ती कार अपन लगे हटवायचे। आणि जी आमची ब्लैक स्क्रीन है पंचांच्या मागे तिथे काही प्रेक्षक सुद्धा बसले, त्या प्रेक्षकांना विनंती आहे, एक प्रेक्षक तिथे बसलाय त्याला विनंती आहे आपण जिथून बाजूला व्हायचे पंचांच्या मागे। मैदान के अंदर हम यकीनन लौट चलेंगे। 6 गेंदे 17 की आवश्यकता। स्ट्राइक रेंज के ऊपर राकेश पाटिल गेंदबाज, समाधान नावडेकर की यह गेंद खोद कर निकाला था, इस गेंद को वहां पर खिलाड़ी तैनात है, एक ही रन मिलेगा। जोरदार अपील और यहां पर विकेट, 5 गेंदे बची है 16 रनों की आवश्यकता। थैंक यू सो मच। मैदान के अंदर हम जाएंगे, जीत की बात करेंगे। 5 गेंदे बची है 16 की आवश्यकता। क्या मुकाबला पलटा है यहाँ पर मनोर, निश्चित रूप से गेंदबाज यहाँ पर फील्डर जो कवर पॉइंट के फील्डर है संकेत भगत का भी जिक्र करना होगा, बढ़िया फील्डिंग की यहाँ पर बल्लेबाज, जरूर दूसरा रन बढ़ाने यहाँ पर बटोरने की कोशिश कर रहे थे और सीधा उन्होंने बिल्कुल निशाना साधा स्टंप के ऊपर और बिल्कुल गेंदबाज ने कोई गलतियां नहीं की, विकेट कीपर ने कोई गलतियां नहीं की, आसानी के साथ स्टंप को बिखर दिया। ओवर टू मनोर पाटिल। तो बिल्कुल यहाँ पर जीतने के लिए आने वाली 5 गेंदे 16 की आवश्यकता। जैसे हम हमेशा कहते हैं दोस्तों, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, टेंशन इसको किसको यहाँ पर कम है, हार या जीत तो सिर्फ एक भ्रम है, इसी का नाम कभी खुशी कभी गम है। किसके हिस्से में आएगी खुशी और किनके हिस्से में आएंगे गम। 5 गेंदे 16 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार, स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज, हम देखेंगे सौरभ ढवले।
पेस देखी, रफ्तार देखी, रफ्तार से किया बीट और यहाँ पर बल्लेबाज के पारी कन, चार गेंदे बची है और यहाँ पर जीतने के लिए 16 की आवश्यकता। डीजे मास्टर इथे सन्मान्य नामदेव फडके साहेब विगर, जयदास फडके साहेब आणि त्याच्यानंतर प्रवीण फडके बोनशेद यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे। थँक्यू सो मच। आने वाली गेंदे चार और जीतने के लिए 16 रनों की आवश्यकता। कल के दिन हमने मुकाबला देखा था जब अर्जुली क्रिकेट टीम को 3 गेंदों में 16 की आवश्यकता थी और वहां से मुकाबला पलटा था और मुकाबला जीता था अर्जुली क्रिकेट टीम ने। क्या कमाल का मुकाबला, 4 गेंदे 16 रन। राकेश पाटिल स्ट्राइक के लिए तरस रहे, जिस तरीके से बिना पानी की मछली तड़पती है स्ट्राइक के लिए तड़पते हुए। गैप में गेंद को धकेला, वहां पर खिलाड़ी तैनात, थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई, 1 ही रन मिलेगा। 3 गेंदे बची है, जीतने के लिए जरूरत होगी 15 रनों की आवश्यकता। कंपलसरी चेस इस टूर्नामेंट का नियम है, 3 गेंदे 15 रन, बड़ा स्ट्रोक चाहिए शिवकर क्रिकेट टीम को इस गेंद के ऊपर। राकेश पाटिल की बात करेंगे, सिर्फ 1 चौका उनके बल्ले से हमने देखा, बड़े छक्के चाहिए यहाँ पर, इस गेंद के ऊपर चौका या छक्का आना जरूरी है। जीत की बात करेंगे, 3 गेंदे 15 की आवश्यकता। 7 गेंदे खेली है राकेश पाटिल ने, वहां पर 10 रनों का योगदान उनके बल्ले से हमने यकीनन देखा है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ। क्या काम को पूरा करेंगे, मैच फिनिश कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद की बात करेंगे गेंदबाज की। समाधान नावडेकर अब तक कमाल की गेंदबाजी, ब्लॉक होल जिसे कहा जाता है, यॉर्कर लाइन के ऊपर गेंदे रखी है और बल्लेबाजों को रनों के लिए तरसा दिया है। 3 गेंदे 15 रन, इस मुकाबले का भविष्य इस गेंद के ऊपर। अच्छा स्ट्रोक, गैप में गेंद आई है, गेंद जाएगी सीमा रेखा पर, यह चौका आएगा। 2 गेंदे बची है, 11 रनों की जरूरत, 2 गेंदे 11 का समीकरण। दो गेंदे बचे, 11 की आवश्यकता। 2 दिन पहले हमने देवी सपाड़ा मैदान के ऊपर मुकाबला देखा था, मुकाबला था उसट ने बना हुआ जे। 2 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता थी उसट ने क्रिकेट टीम को, और वाजे क्रिकेट टीम के अतुल पाटिल के सामने 2 छक्के लगाए थे और सेमीफाइनल का मुकाबला जीता था। उसी तरीके के हालात यहाँ पर भी बन चुके, 2 गेंदे 11 रनों की आवश्यकता। मोरबे या फिर शिवकर, इस गेंद के ऊपर भी चौका या छक्का चाहिए। अच्छा स्ट्रोक जरूर खेला है, वहां पर खिलाड़ी तैनात, करण पोर्जे आएंगे, रन मिलेगा सिर्फ 1। 1 गेंद बची है, जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। हेलो, मैदानाच्या बाहेर जे प्रेक्षक आहेत बघा, त्यांना आमचे जानवान क्रिकेट संघ भोकरपाडा यांच्या वतीने विनंती आहे, सामना संपल्यानंतर मैदानाच्या आतमध्ये खेळाडूंच्या व्यतिरिक्त कोणीही संपर्क करू नका, साधू नका, आतमध्ये इनसाइड एरियामध्ये बाहेर आपण बाहेरून जल्लोष करू शकता। गोलंदाजीसाठी गोलंदाज सज्ज आहे। तो निश्चित तौर पर 1 गेंद बची है, 10 की आवश्यकता। कल 2 गेंदों में 10 की आवश्यकता थी और बिना गेंद हुए दोनों गेंदे 9 आई थी और 10 रन बने थे और मुकाबला अर्जुली क्रिकेट टीम ने जीता था। गेंदबाज यहां पर तैयार होगा, 1 गेंद 10 रन, खराब गेंदबाजी करेंगे तो ही मुकाबला गवाएंगे। कमाल की गेंदबाजी, जश्न का माहौल, सुपर फोर में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी थी श्री गणेश मोरबे, कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉयज। आदेश आदेश पांडव, आदेश यावा पण आमच्या आयोजक रुपेश फुलोरे यांच्याशी आपण संपर्क साधायचे आहे। आताच्या प्रेक्षणीय सामन्यामध्ये इथे मोरबे क्रिकेट संघाने इथे मोरबे क्रिकेट संघाचा विजय संपादन केलेला आहे, त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन। शिवकर क्रिकेट संघाने सुपर 8 मध्ये प्रवेश केला, सुपर 8 मध्ये प्रवेश करत असताना महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये त्यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं, त्यांचं मनपूर्वक आम्ही आभार व्यक्त करतो। इथे अजय फडके जे
खऱ्या अर्थाने लाल ब्रिगेड युवा संघटनेचे अध्यक्ष आहेत या विभागातले, त्यांचा सन्मान आमचे आयोजक हनुमान फुलोरे यांच्या शुभ हस्ते त्यांचं शाल पुष्पगुच्छ आणि या क्रिकेट स्पर्धेचं सन्मान चिन्ह देऊन इथे गौरव केला जात आहे। तर आताच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच ज्याने गोलंदाजी करत असताना तीन धावा देऊन दोन फलंदाजांना घरचा रास्ता दाखवणारा मंगेश नावडेकर यावं। मंगेश आताच्या प्रेक्षणीय सामन्यामध्ये श्री गणेश मोरबे क्रिकेट संघाचं मनपूर्वक अभिनंदन आणि आताच्या सामन्याचा हिरो इथे आपण पाहतो मंगेश नावडेकर आपण स्टेजवर यायचे आहे। प्रकाश भगत असतील।